तो ये रहा हम लोगों का काले गुलाब का पौधा। फाइनली बहुत लंबे समय तक ढूंढने के बाद फाइनली हम लोगों को मिल गया। तो ये हम लोग का काले गुलाब का पौधा है, जैसे मैं आप लोग बताऊँ, ये देखिए ब्लैक बरखा इसका नाम है। बिल्कुल लगभग देखने में काले कलर का ये गुलाब का पौधा, और ये हम लोगों का एक न्यू ब्लैक डिलाइट है, ये भी लगभग बिल्कुल काले कलर का देखने में लगता है। ये हल्का सा रेडिश शेड में होता है, लेकिन ये देखने में बिल्कुल काले गुलाब जैसा ही लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश, मैं आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं अपने गार्डनिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे शेयर किया था कि मैंने कुछ गुलाब के पौधे मंगाए हैं, उसमें से मैंने एक ब्लैक रोज़ का भी पौधा मंगाया था, यानी काले गुलाब का भी पौधा मंगाया था। तो ये मेरे पास मेरे सारे पौधे आ गए हैं। मैंने लगभग 8-9 गुलाब के पौधे मंगाए और एक एडेनियम का पौधा मंगाया है। तो ये कोरियर सही सलामत मेरे पास आ गया, अभी तक तो ये बिल्कुल ठीक दिख रहा है, कहीं से डैमेज नहीं दिख रहा है। तो आज हम लोग अपने नए पौधों की अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने ये गुलाब के पौधे कहाँ से मंगाए, आप काले गुलाब का पौधा कहाँ से मंगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हम लोग के नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हम लोग के उस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, एक बार जरूर शेयर करिएगा। तो ये पौधे मैंने पुष्पांजलि नर्सरी से मंगाए हैं। पुष्पांजलि नर्सरी गुलाब के पौधों के लिए बहुत ही फेमस है, उनके पास लगभग 200-300 वैरायटी के गुलाब मिल जाते हैं और एडेनियम का काफ़ी अच्छा कलेक्शन उनके पास मिल जाता है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखिए ये पुष्पांजलि नर्सरी से आए, ये देखिए पुष्पांजलि अशोका करके उनका है, तो मैंने वहाँ से मंगाए हैं ये गुलाब के पौधे। तो चलिए जल्दी से हम लोग इस पैकेज को खोल लेते हैं, फिर आगे मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग इनसे किस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इन लोगों ने कपड़े में काफ़ी अच्छी पैकिंग की, काफ़ी अच्छे से कपड़े को सिल के दिया है, ये देखिए काफ़ी मजबूत है ये धागा। इनकी पैकिंग लगभग इसी तरीके से होती है, कपड़े में ही सारे गुलाब के पौधे रैप करके भेजते हैं, अंदर ये पेपर में रैप्ड होंगे। तो इस तरीके से अब इसका पेपर की रैपिंग लगी हुई है इनके ऊपर, इसको भी हम लोग खोल लेते हैं जल्दी जल्दी। ये देखे तो इस तरीके से हम लोग के गुलाब के पौधे बिल्कुल अच्छे से रैप होके आ गए हम लोगों के पास। ये देखिए मैंने मिट्टी में गुलाब के पौधे मंगाए थे अपने सारे, ये बेयर रूटर गुलाब के पौधे भी भेजते हैं, लेकिन आप लोग मिट्टी में ही पौधे लीजिएगा, मिट्टी में पौधे थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो हम लोग के पौधे के चलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप लोग बेयर रूटेड गुलाब के पौधे लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो पौधा आगे जाके सर्वाइव नहीं कर पाता, तो मैंने सारे मिट्टी में गुलाब के पौधे अपने मंगाए हैं। इनकी पैकिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, काफ़ी अच्छे से इन्होंने पैक करके सारे गुलाब के पौधे भेजे हैं, और साथ में देखिए एक सपोर्ट स्टिक भी लगाए, लेकिन वो स्टिक अब टूट चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए स्टिक वो टूट गई है, सपोर्ट में लगाया था ताकि हम लोग के पौधे ख़राब ना हो, डहनियाँ उसकी मुड़े ना। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग के पौधे आ गए हैं बिल्कुल अच्छे से। चलिए देखते हैं कौन सा है, ये हम लोग का रोज़ चाइनीज़ है, ये हम लोग का काफ़ी अच्छा कलर था, राइट, ये भी हम लोग का एक ब्लैक रोज़ की तरह ही देखने में लगता है। तो ये वाला है हम लोगों का, तो ये हम लोग का मार्बल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे बहुत सारे गुलाब के पौधे मंगाए हैं, ये देखिए ये है हम लोगों का विष्का करके है, ये हम लोग का बेबी लव है, हम लोगों का ब्लैक रोज है मैरी, जी हाँ, तो ये हम लोग का ब्लैक बरखा, ये हम लोगों का ब्लैक रोज है,
काफ़ी छोटा प्लांट है, अभी जब इसकी अच्छे से केयर करें हम लोग तो ये अच्छे से ग्रो करने लगेगा। तो ये देख पा रहे होंगे, देखिए कुछ इस तरीके से आया। मैं इसको खोल लेता हूँ, फिर आगे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग का ये पौधा है। ये देखिए यहाँ पर ये ग्राफ्टेड पार्ट है, यहाँ से हम लोग का ग्राफ्ट किया हुआ पौधा है। ये सभी पौधे हम लोग के ये देखिए राइस हस्क में लगे हुए हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग के सारे गुलाब के पौधे हम लोग के पास आ गए, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में आए हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग मिट्टी में ही मंगाएगा, अगर बेयर रूटर आप लोग मंगाते तो उनके ग्रो करने के काफ़ी कम चांसेस होंगे, होपफुली वो पौधा मर ही जाता है आखिरी में। तो अगर आपको ये सभी गुलाब के पौधे खरीदने हैं तो आप लोग इनसे फेसबुक के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे आप पुष्पांजलि अशोका करके आप लोग सर्च करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग को इनका पेज मिल जाएगा। आप उन पर मैसेज करिएगा तो ये आपसे खुद कांटेक्ट कर लेंगे। और मैंने इनसे एक अडेनियम का पौधा मंगाया था, लेकिन इसमें मुझे वो अडेनियम का पौधा नहीं दिख रहा। होपफुली मुझे लगता है वो अलग से अडेनियम का पौधा भेज रहे होंगे, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से वो ख़राब होने के चांसेज होते हैं, तो होपफुली वो अलग से अडेनियम का पौधा भेज रहे होंगे। तो ये रहे मेरे कुछ गुलाब के पौधे, जिसमें से हम लोग का ये ब्लैक रोज़ भी है। काफ़ी लंबे समय से मैं इस गुलाब के पौधे को ढूंढ रहा था, फाइनली मुझे ये पौधा मिल गया। हम सभी लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम लोग पास ब्लैक रोज़ ज़रूर हो, हम सभी लोगों को ब्लैक रोज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट करके आप लोग परचेस कर सकते हैं। इन सभी पौधों को हम लोग बहुत जल्द मिट्टी में लगा देंगे, उसके ऊपर मैं आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, कैसे हम लोग लगाना, कौन सी मिट्टी में लगाना और क्या रेशियो लेना है। तो बहुत जल्द आप लोगों को सॉइल में लगाते हुए वीडियो देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में यहीं तक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आगे का पार्ट देखने के लिए। इस जगह पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबा के हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में इस जगह पे हम लोग के नए चैनल का भी लिंक आ रहा होगा तो उसको भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और साथ में हम लोग के गुलाब के पौधे की केयर के ऊपर दो वीडियो आ रहे हैं, तो आप लोग उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ किसी अनदर वीडियो से, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय, टाटा।